हाँ जी, क्या नाम है आपका और ये चोट आपको कैसे लगी, थोड़ा मामला बताइए। मेरा नाम अब्दुल हकीम है, अच्छा, कहाँ रहते हैं? फरीदाबाद में। मैं बड़गल में, बड़गल इंक्लेव सेक्टर 48 के पास में रहता हूँ। अच्छा, ये आपके बीस सिर जुलाई में, सौ गाल बीस में और ये हाँ हाथ में चोट सुनो, आई है, चोट कैसे आई है बताइए। चोट हमारे रिश्तेदारों ने अटैक किया है, कब अटैक किया सरदारों है? ने मारा। कब अच्छा, कब मामला है? कल संडे को 11 बजे से लड़ाई हुई। क्यों मारा? कारण क्या था? कोई कारण नहीं था, शर्ट के पीछे 300 रुपए के, अच्छा 300 रुपए के पीछे लेन देन के पीछे झगड़ा बच्चों बच्चों में हुआ, अच्छा और बच्चों के बाद में इन्होंने बड़ों को टारगेट बना दिया। नहीं, ठीक है, आपको क्यों मारा? आपने भी तीस लड़ाई की चालीस थी। नहीं, मैंने कोई लड़ाई नहीं करी, मैं मौके पे था भी नहीं उस पे। अच्छा, तो क्यों बाद क्यों में मारा मैं आपको? आया था, मेरे को ये मारा गया कि भाई इनको बाप को मारो और इनके औलाद को भी मारो, सबको पकड़ के 30 40 लड़के लाए। वो किराएदार है जो के जिसका नाम है आमिर, जो बंदे लाए थे, और बाकी मेरा जो भाई है और रिश्तेदार रिश्तेदार जो लगते हैं जिनके साथ मेरी लड़ाई हुई है, अच्छा उनका नाम है तबारक हुसैन, जमालुद्दीन और शाहबुद्दीन, अच्छा एक और उनका है दामाद जफील बाबू, और जावेद खान उनके जो है रिश्तेदार है, रिलेटिव है, ये मैडम को भी चोट आई है, क्या नाम इनका? सबको साथ मारा है। मैडम को नसीमा खातून नाम है, मेरी अच्छा, वाइफ इनको है भी मारा, आपकी वाइफ है। जी। अच्छा, और किसी को चोट लगी है? और तीन लड़कों को जो है, चारों लड़कों को मारा, अच्छा, शकील, शबीर और सागिर और साजिद, चारों को पकड़ के, जो भाई मौजूद उसमें मौके पे हैं लोग जो इन बात तो को पुलिस में बताते गए हैं। आप, शिकायत दी आपने? मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाया, मेरे सिर फाड़ दिया उन्होंने, मैं बिल्कुल बेहोश हो गया। अच्छा, किसी ने दी है मेरे पुलिस में शिकायत? दी है हाजी तकी जी ने, शायद गए हैं वहां, ये फायर लॉज भी हुई है अच्छा हमारे नाम के, अच्छा जो कि वहां पे है, शायद मौजूद भी उसमें, और कौन सा थाना लगता है? थाना थाना जो है सूरज सूरजकुंड। कुंड लगता है, अच्छा चौकी अनखीर गोल चक्कर। नहीं, कोई बात पहले हुई होगी? मेरी कोई बात पहले, कोई रंजिश नहीं है, हमारा बहुत अच्छा व्यवहार रिश्तेदारी अच्छा, रहा, मगर अब हमारा कोई वो नहीं है। तो आपको चोट लगी, शिकायत दी गई पुलिस से, कोई कार्रवाई की? करवाई अभी तक कोई नहीं है पुलिस वाले की तरफ से, कोई हमारे तरफ जो रुझान नहीं, नहीं जिससे है। आपकी लड़ाई हुई, वो बंदे जो 30 40 आए थे, वो कहाँ के थे? वो यूपी के हैं, गांव लड़का बताएगा कौन से गांव के, क्या अमरोहा क्या के? नाम अच्छा, है, अमरोहा के। तो नाम क्या क्या लड़का बताएगा। यहीं रहते हैं या हाँ, अमरोहा उन्हीं से? के किराए में रहते हैं, अच्छा, हमारे यहीं रहते भाई हैं। साहब अमरोहा के के ही रहते मकान हैं। में किराए पे रहते नोएडा हैं से भी वो, बुला लिया था बंदे नोएडा को। से भी लड़के आए थे कार से, अच्छा, पूरी अपनी प्लानिंग के साथ, लाठी ईंट और कन्नी, अच्छा जो राजमिस्त्री की कन्नी होती है, उनसे काटा इन्होंने, मारा कई जगह, अच्छा ईंट से, मेरी ईंट पे कनपट्टी में मारी, सिर पे मारा, जो मैं बेहोश पड़ गया, बहुत बुरी तरह पीटा लाठी से। आप क्या चाहते हैं अब? मैं अन्याय को स्कूल चाहता हूँ और मैं इसको सजा मांगना चाहता, अच्छा, इसको सजा होना चाहिए, जितने भी इन्वॉल्वमेंट है, चाहे तो आपके उनका सर में चोट आई है, तो कितनी गहरी चोट है? बहुत गहरी चोट है, इतना क्या ज्यादा खून आई है। अच्छा, कहाँ कहाँ की इलाज जाए करवाया आपने? इलाज कहाँ जी, करवाया? बीके में मैं गया, बीके में संडे की छुट्टी थी, अच्छा, पर उन्होंने पट्टी तो कर दी, बाकी उन्होंने एम्बुलेंस बुला करके मुझे वो कौन सा अस्पताल था, वो प्राचीत, प्राचीत अस्पताल था। ये आपका मेडिकल है जो? ये मेडिकल वगैरह। सारा मेडिकल। अच्छा, ये आपने पुलिस को दिखाया? ये अभी नहीं दिखाया। अच्छा, ये आपकी चोट है? अच्छा, सर में चोट है, चेस्ट में चोट है, सर में पेट में चोट है, ज्यादा और चोट है, सूजन है, और कई जगह पे ईंट लगी हुई है, जो आपके कि घुटने सूजन में है, भी चोट आई है, कई जगह चोट है। बात बोलता तो बोलता भूल जा रहा हूँ, ये यहाँ लगी है, गेहूनी में लगी और यहाँ लगी। आप क्यों मारा? आप कहाँ थे? मियाँ बीवी दोनों बैठे हुए थे कि कोई बात नहीं, बाहर कुर्सी डाल के अपने घर के आगे। अच्छा, हाँ, नहीं कहा जा रहा है, पहले बच्चों में लड़ाई हुई थी। हाँ, वो तो 11 बजे हुई थी। अच्छा, उसके बाद हम आए, उनके भाई साहब के साथ मैं मिला, बातचीत करी, मैंने कहा भैया अगर मेरे बच्चों से कोई गलती हुई हो, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे मारना हो मुझे मार लो, आप बोलते पर जो भी मारना हो मारो।
अच्छा, मगर उसके बावजूद भी उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। पुलिस चौकी में रिपोर्ट करके आया, पहले 15 मिनट पहले रिपोर्ट करके आया, 15 मिनट बाद अटैक कर दिया बैठे हुए में। अच्छा, जिनके आदमी मौजूद है हाजी तकी भाई भी हमारे बिल्कुल सामने वाले अपोजिट कोई है, मतलब यहाँ बता सकते हैं कि हाँ भाई आप लोग भी थे यहाँ पे। अच्छा, ये भी थे अच्छा, ये सारे लोग मौजूद थे। क्या देखा आपने, क्या देखा? कुछ नहीं, बच्चों में कुछ थोड़ा झड़प हुई थी, ये दोनों हस्बैंड वाइफ कहीं बाहर गए हुए थे। अच्छा, मैं भी उस वक्त घर पे मौजूद नहीं थी, तो जब मैं भी घर पे आई हूँ और ये भी, तो इन्होंने ही मुझे बताया कि पीछे बच्चों में कुछ आपस में कुछ पैसों को 300-400 रूपये या कुछ शर्ट को लेके हाथापाई हुई थी। अच्छा, तो उसी के चलते हाकम भाई अपनी गलती मानने लगे उन लोगों से। वो लोग जब हाकम भाई के घर शिकायत लेकर आए, इन्होंने माफी भी मांगी, गलती मानी अपनी, और इन्होंने कहा हम अपने बच्चों को डांटेंगे मारेंगे, कोई भी बात है हम उसको बैठ के मसले को हल कर लेते हैं। बस वो थोड़ी देर बाद फिर वो लोग चौकी चले गए कंप्लेन डालने, और आने के बाद काफी सारे लोग आए और इन पर हमला कर दिया। अच्छा, उनको पुलिस पर भी भरोसा नहीं था, वो अब खुद ही अपना कानून हाथ में ले लिया। जब वो कंप्लेन करके आए थे तो कम से कम उन्हें कानून पर भरोसा तो करना चाहिए था। कितने दूर रहते हैं यहाँ से? जी, मेरा घर और इनका घर के बराबर आस पास। अच्छा, आप पड़ोसी हैं? पड़ोसी बिल्कुल, ये एक ही दीवार है हमारी। अच्छा, तो पहले भी कभी लड़ाई झगड़ा हुआ था या पहली बार? नहीं, अब से पहले तो कभी नहीं, बहुत अच्छा रिलेशन था इन दोनों का, तो आपस में काफी पहली बार। अच्छा, चौकी में से जो खून आ रहे हैं बच्चों के ऊपर इतने दबाव के साथ के बाप को जिस हाल में है लेके आओ। अच्छा, चौकी में तीनों चारों आ जाओ जल्दी। अच्छा, नहीं तुम्हारे साथ बुरा हाल होगा। इसकी एविडेंस जो है रिकॉर्डिंग है। अच्छा, रिकॉर्डिंग है आप? जिसका नाम उमेश शर्मा SI है, जिसने धमकाया है और जो हमें टॉर्चर कर रहा है। अच्छा, तो अभी ये रिकॉर्डिंग मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हेलो हेलो, शब्बीर चौकी में आओ, चौकी में आ जाओ। मैं? हाँ, शब्बीर जो भी, दोनों तीनों भाई और अपने फादर को भी लिया। जी पापा नहीं आ सकते, आप बेशक। कहाँ पर हैं? कंडीशन खराब है, घर पे ले आया था। ऐसा है, घर पे ले आया था, कंडीशन खराब नहीं है। जितना जितना बयानबाजी करेगा उतना ही मैं तो भारी पड़ूंगा भाई। सर बहानेबाजी वाली बात नहीं, मैं है, कह रहा हूं, मैं यूं कह रहा हूँ। सभी आप आ जाओ चौकी। हम आ, मैं आप आ जाओ, को बुला रहे हूं, मैं आ जाता हूं, कोई दिक्कत नहीं। और अपने अपने पापा से मेरी बात करवा, 10 मिनट हो गए तेरे को। मैं तो नहीं जा रहा, पूरा सर सूजा पड़ा है, मैं आपको फोटो व्हाट्सएप कर देता हूं। मुझे व्हाट्सएप की जरूरत ना है, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत ना है। चौकी आओ आप, मैं आ जाता हूँ, कोई बात। हाँ चौकी, अपने भाइयों को भी लिया, दोनों को। किसे किसे? इनको इंसाफ नहीं मिला तो गली की औरत और आदमी जाकर पुलिस चौकी का घेराव करेंगे। तो आपका कहना है कि आपके साथ अन्याय हुआ, आपको आपके साथ मारपीट हुई जी, पुलिस भी आपको धमका रही है? धमका रही है। अच्छा, मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, मैं सुनवाई करवाना चाहता हूँ, मेरे अन्याय दिलाया जाए, अब मैं उसको सजा चाहता हूँ जिस हिसाब से उन्होंने बिल्कुल मारने की जान। मेन आरोपी कौन है इसमें? जो मेन आरोपी कौन है, मुख्य आरोपी? तबारक हुसैन, अच्छा, जमालुद्दीन जमाल और साहबुद्दीन। अच्छा, साथ में उनके एक जावेद भाई हैं और एक और है जिनका अच्छा, नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। अच्छा, और बाकी उनका जो दामाद है उनका नाम है जफील बाबू। अच्छा, आपने शिकायत में सबका नाम लिखा है? हाँ, शिकायत जी, शिकायत में नाम दर्ज है। अच्छा, शिकायत में सबका नाम, ये पुलिस में शिकायत दे दी। जफील बाबू, जिन बंदों के नाम नहीं है, वसीमा उनकी लड़की है जो लठ बजाई है, लठ और ईंट बजाई है। अच्छा, घर वाली को और थे वो मार रहे सब मिल गए। आप लोग कहना है कि अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो आप लोग पुलिस चौकी घेराव करोगे? हाँ बिल्कुल घेराव करेंगे, अगर मुझे अन्याय नहीं मिला तो। जो बीच बचाव कर रहे हैं उन पर भी हमला किया गया, उन्होंने बताया। इनके भाई साहब पे भी हमला करा गया, कन्हैयों से मार, बीच बचाव कर रहे हैं, हाथ उठाया गया। आप पर भी हमला हुआ? हाजी साहब आप हैं जी? अच्छा, मैं बीच बचाव में बीच में शुरू से आखिर तक मैं था। अच्छा, और जब उस बच्चे को मैं ज्यादा समझा रहा, इस बच्चे को जो करनी मारी इनके बेटे को, इनको लग गई, तो उसके बाद मैंने उसको गाली दी, जैसे शोर मचाया कैसे ही बचाव हो, उसने मेरी तरफ भी करनी मारी, फिर मैंने उसको धक्का दिया अपनी तरफ। अच्छा, और मैं कल चौकी में भी ये कह रहा था मुझे वो बंदा चाहिए जो करनी बजा रहा था, उसने ही करनी से सबको बेहाल करा, वो भी कन्या लगी हुई है। यही का रहने वाला या कहीं और? सामने मकान में रहे, सामने वाला हाजी ताई जी का 3 मंजिल मकान है। लड़के लगे करने,
सर में मारी आपको, सर में और पीठ में भी आपको चोट। क्या नाम आपका? साजिद। साजिद ने आप टेरी भी सिल्ली मारी थी। अच्छा ठीक है। एफआईआर हमारी नहीं लिखी गई है। अच्छा अभी एफआईआर दर्ज है। जी शायद लिखवाए हो तो एप्लीकेशन लिखी थी बस। तो आपकी मांग है एफआईआर दर्ज हो, दोषियों पर कार्रवाई हो। जी ठीक है। मेरी प्रॉपर तरीके से पहले तफ्तीश किया जाए, गली में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों ऐसा करा गया, इतना आदमी को क्यों, किस तरीके से अटैक करा गया। हमारा इतना बड़ा इशू नहीं था, इतना बड़ा कोई मोमेंट नहीं था। हमारी तरफ से एक गाली भी साबित कर दे कहीं भी। जी मुझे हिसाब मिलना चाहिए। ठीक है जी, ठीक जी। और मैं इसके लिए, मैं चाहे मुझे कहीं भी जाना पड़े, ठीक मैं तैयार हूँ। ठीक है।